ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में उत्तरी भारत से करीबन 25 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फाइनल मुकाबला मैच दिल्ली गेटर्स 11 व हेटर फुटबॉल अकादमी जालंधर की टीम के बीच खेला गया। फाइनल मैच का आरंभ मुख्यमंत्री द्वारा टीम के सदस्यों से परिचित करवाकर और फुटबॉल को किक मारकर किया गया। फाइनल मैच से केहर फुटबॉल एकेडमी जालंधर की टीम ने विजय हासिल की। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विजेता टीमों को ट्रॉफी व नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यदि हमें अच्छे खिलाड़ी बनाने हैं तो हमें खिलाड़ियों को अच्छे खेल के मैदान देने होंगे, जिससे प्रदेश के खिलाड़ी बाहर जाकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि प्रदेश सरकार व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने में लगे हैं और खिलाड़ियों की प्रतिभा को किस तरह से निखारा और तराशा जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की और ग्राउंड की दशा को सुधारने के लिए खेल मंत्री व DC सोलन को पत्र लिखकर दशा सुधारने की अपील करने का आश्वासन भी दिया। यदि हमको अच्छे खिलाड़ी पैदा करने हैं, अपने युवकों को हिमाचल से निकल करके बाहर उनको अगर मौका देना है तो स्वाभाविक रूप से हमको अच्छे मैदान उनको देने पड़े। वर्तमान श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, श्री गोविंद ठाकुर जी, दोनों इस बात में मुझे बहुत संजीदा दिखाई देते हैं। जहाँ तक सोलन के ठोडो का सवाल है, ये ऐतिहासिक मैदान है और एकमात्र ऐसा मैदान है जिसके भरोसे गेम्स भी चलती हैं, बाकी एक्टिविटीज भी चलती हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा जिलाधीश महोदय को और ये कहना चाहूँगा नगर पालिका को बड़े स्पष्ट शब्दों में कि इस ग्राउंड की दशा निरंतर ठीक रहनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर गोविंद ठाकुर जी को पत्र लिख करके और DC साहब को पत्र लिख करके ये आग्रह करूँगा कि ग्राउंड ठीक दशा में रहे।